हाय गाइस, आज मैं आपको लेके चलती हूँ कुल्ला की एक हिडन मार्केट में, जहाँ पे आपको बहुत सारी फैब्रिक और ज़्यादातर यहाँ पे मेंस वियर मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैं आप लोग को लेके चलती हूँ कुल्ला की कुछ ऐसी गलियों में जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग मेरे साथ चलिए। क्या प्राइस है? और सूजो पूरा सेट है। और इस मार्केट में आपको ज़्यादातर शॉप वो जेंट्स लुक की मिलेगी, और ये इसको कुल्ला की चिंदी मार्केट भी बोलते हैं इस मार्केट को। फिर हम लोग को एक फैब्रिक मटेरियल की शॉप दिखी, तो हम लोग अंदर इंटर हुए और यहाँ पे फिर हम लोग देखते रहे। यहाँ पे बहुत सारे कट पीस और बहुत अच्छे अच्छे दुपट्टे थे, जो ये जितने भी आपको ये प्लेन ड्रेसेस दिख रहे हैं, ये 40 रुपये मीटर 60 का पना है और 40 रुपये मीटर आपको कट करके इन लोग दे रहे थे। और आपको ये सब जितनी भी शॉप दिख रही है, ये सब मेंस वियर शॉप है। और यहाँ पे आपको पठानी सूट, कुर्ता पैजामा की जितने भी आपको मटेरियल यहाँ पे बहुत तरह के मिल जाएंगे और कम प्राइस के मिलते हैं यहाँ पे। क्या प्राइस है इसके? साइज भी जाएगा, कलर वेरिएटिंग बहुत। शर्ट की क्या प्राइस है? 500 रुपये। दिखाऊंगे तो? हाँ देख। हम लोग को एक शॉप दिखी जहाँ पे आपको रील्स, धागे
जो आपको किलो के हिसाब से मिल रहे थे, ये 120 रुपये किलो, या मतलब ये जितने भी पैकेट है आपको किलो के हिसाब से देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये शॉप पे गए जहाँ पे आपको बटन, बहुत सारे ड्रेसेस के बटन मिल रहे थे, और ये भी 200 रुपये किलो, मतलब कि जितनी भी बटन है, जितनी भी ये सब चीज़ हैं, शो बटन या नॉर्मल ड्रेस की बटन हो, कुर्ती की बटन हो, शर्ट की बटन हो, आपको किलो के हिसाब से मिल रही थी, तो 200 रुपये किलो ये हम लोग को बता रहे थे। एक दो पीस नहीं मिलेगा, कट करके नहीं मिलती। अरे एक सूट के लिए कितने का पड़ेगा? Stranded in the open, dried out tears of sorrow. ये चिंदी मार्केट एक चीज़ के लिए और फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी आपको ब्लैंकेट, बिस्तर, ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो हम लोग ये शॉप पे गए तो यहाँ पे जितने भी बिस्तर थे, ब्लैंकेट थे, यहाँ पे मिल रहे थे, और ये भी हम लोग को किलो के हिसाब से बता रहे थे, मतलब 200 रुपये किलो, 200 रुपये में, मतलब ये किलो में करेंगे और जितने रुपये का होगा वो फिर देंगे।
और ये सब ब्लैंकेट के कलर और डिज़ाइन यहाँ पे रखे हुए थे जो हम लोग यहाँ पे सब चेक कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग अबाया की शॉप पे गए यहाँ पे अबाया चेक करने के लिए। तो हम लोग देखने लगे यहाँ पे क्या डिज़ाइन है और क्या प्राइस है। वैसे भी हम लोग पहले भी यहाँ से ले चुके हैं तो ये सब उसके डिज़ाइन थे। और ये शॉप की सबसे अच्छी बात है आपको बहुत सारे अबाया रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, जैसे कि 2000-3000 के नकाब बहुत अच्छे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे इनके यहाँ 5000-6000 तक के नकाब हैं। और यहाँ पे कुछ नकाब जो हम लोग को अच्छे दिख रहे थे तो हम लोग उसको निकलवा कर उसकी प्राइस पूछ रहे थे, जो कि हम लोग को उसकी प्राइस ठीक लगी, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नकाब नहीं था, ओके था। ये सब जितने भी नकाब आपको मैं दिखा रही हूँ ये सब वो लगभग 3000 तक के थे, जो कि कम कराने पे थोड़ा बहुत तो कम करते हैं ये लोग, तो ज़्यादातर ये इसकी प्राइस 3500 की बोल रहे थे, पर मतलब कि 3000 तक देने के लिए रेडी हो गए थे। तीन हजार और ये भी वही है, ये सब वाले 3000। तो ये चिपकाते हैं के लिए से भी होता है। कर लो।
के बाद अच्छा बहुत चला, ये निकालिए। अच्छा, और ये एक निकाब था जो कि हम लोग को पसंद था। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में है, जो ये 4000 का बनता रहे थे। नीचे ये इसके वर्क करा हुआ था और स्लीव पे वर्क किया हुआ था। ये इसकी प्राइस ये 5000 थी, पर ये 4000 का कम करके बोल रहे थे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।